दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट एक एक करके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिए। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मीन लग्न वालों का, जो ये अप्रैल का महीना है, गोचर के अकॉर्डिंग किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर हमारी जन्म की कुंडली में यहां पर 12 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी, ये मीन लग्न वालों की कुंडली कहलाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि जानिए मीन लग्न वाले लोग कैसे होते अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देखिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस समय गोचर की जो स्थिति है वो मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो आपके लग्न में इस समय तीन तीन ग्रह चल रहे, सूर्य चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं और शुक्र चल रहे हैं। तो ये तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके पहली आपकी लग्न में है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य देखिए 13 अप्रैल तक आपकी मीन राशि में ही चलेंगे और उसके बाद सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु पूरे के पूरे साल ही वैसे तो यहां चलेंगे, लेकिन बात हो रही है अप्रैल मंथ की। तो अप्रैल मंथ में राहु आपकी मीन राशि में रहेंगे और केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे, सेवंथ भाव में रहेंगे। बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र इस समय राहु के साथ बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं और मीन राशि क्या होती है, उनकी उच्च की राशि होती है। और इसके बाद 25 तारीख के बाद 25 अप्रैल को कहां चले जाएंगे, ये अपना मेष राशि में चले जाएंगे। बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो आपके लग्नेश भी है, पूरे के पूरे महीने आपके सेकेंड हाउस में ही मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। और बात करते हैं अगर हम लोग बुध की, तो बुध इस समय गुरुदेव बृहस्पति के साथ वक्री पोजीशन में चल रही है और मेष राशि में चल रहे हैं। 11 अप्रैल को क्या होगा कि ये क्योंकि इस समय उल्टे चल रहे हैं तो कहां आ जाएंगे, आपके मीन राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपकी लग्न में आ जाएंगे 11 अप्रैल के बाद। अब देखिए बात करते हैं शनि की। तो शनि हमारे यहाँ पर 10th हाउस के, मतलब जहां 10 का अंक लिखा है, मकर के राशि के भी स्वामी है और हमारे कुंभ के भी स्वामी है। तो इस पूरे महीने में शनिदेव महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे और आपके 12th भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं और 24 अप्रैल को ये मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये टोटल स्थिति है हमारी गोचर की। और अगर हम लोग बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की, तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक और 26, 27, 28, 29, 30 ये आपका गुड टाइम है। बात करते हैं 6 और 7 की, ये खर्चे वाला समय है। 8 से लेकर 11 तक थोड़ा सा टेंशन वाला आपको समय दिखेगा, ट्रबल्ड माइंड, एक बड़े बड़े डिसीजन इसमें टालिएगा। अगर हम लोग 12 से लेकर 15 की बात करते हैं तो ये नॉर्मल टाइम है। 16 से लेकर 18 तक टाइम फॉर चिल्ड्रेन है। 19 और 20 शत्रु पक्ष हमारी तरफ हावी होने की कोशिश करेगा। 21 से लेकर 23 तक नो आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस। और अगर हम चर्चा करते हैं 24 और 25 की, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज देखने का आपको समय है। अब देखिए बात क्या करते हैं, लग्न से स्टार्ट करते हैं, गोचर किस प्रकार से ग्रह चल रहे हैं, मैंने आपको इसको बताया। अब बात होती है हमारे फर्स्ट हाउस की, जहां पर तीन तीन ग्रह बैठे हैं। तो सबसे पहले मालिक कौन है लग्नेश, लग्नेश का संबंध किससे बन रहा है, सेकंड हाउस से बन रहा है, ठीक है। तो आपका ध्यान कहां रहेगा, पैसे को कमाने की तरफ रहेगा। अब अगर हम आपके लग्न को देखते हैं तो कौन कौन से ग्रह हैं, सूर्य, राहु और शुक्र। देखिए सूर्य कहां के मालिक है, 6th हाउस के मालिक है। राहु की कोई राशि नहीं होती, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, राहु और केतु जिस राशि में वो विराजमान होते हैं उसके अकॉर्डिंग फल देते हैं। मतलब राहु किसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति मतलब सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि पैसा कमाना है। तो ये इनका मेन फोकस रहेगा आपका क्या, पैसे को कमाने के लिए। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। दूसरी हम लोग बात करते हैं शुक्र की। तो देखिए शुक्र कहां के मालिक है, 3rd हाउस के मालिक है और हमारे
एर्थ हाउस के मालिक है। तो यहां पर शुक्र बैठे हैं राहु के साथ और सूर्य के साथ, ये कॉम्बिनेशन है। अब इसका टोटल अर्थ क्या हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ के चलिए कि जब भी कभी जो भी लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, देखिए यहां पर अगर आप देखोगे कि जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं पहली बात, और सूर्य कहां के मालिक है, सिक्स हाउस के मालिक है, बैठे किसके साथ है, राहु के साथ बैठे हुए, कब तक है, 13 तारीख तक ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो हमें 13 अप्रैल तक जो भी हमारे बॉसेस वगैरह हैं या जो भी जहां भी हम लोग वर्क करते हैं, थोड़ा सा उनसे वाद विवाद से थोड़ा हमें बचना होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, ये बुध भी किसके साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो ये थोड़ा एक ऐसा समय है कि 10 अप्रैल तक का जो ये वो 13 अप्रैल तक का जो ये समय है ना, कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं राहु, उसके ग्रहण का मतलब क्या है, देखिए इस समय पोजीशन क्या है कि येन केन प्रिप्रिंट, व्यक्ति का दिमाग क्या काम करेगा, पैसे की तरफ होगा, किसी भी प्रकार से पैसा मिले। राहु का ये नियम है कि उसने अगर कोई चीज ठान ली कि मुझे पैसा कमाना है तो वो नियम कानून की परवाह नहीं करता। मैं ये बोल नहीं रहा आपसे कि आप बिना नियम कानून तोड़ के काम करोगे, ये बात नहीं है, लेकिन वो जो भी अपनी बात रखता है उसको जो चाहिए वो हर प्रकार से चाहिए, ये राहु की एक नेचर होती है। सूर्य उसके साथ बैठे हैं तो सूर्य का काम क्या है, सूर्य लिमिट में काम करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं। तो ये दोनों के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए जो भी आप काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को अवश्य मिलेगा कि आप कुछ सोच रहे हो और आपके एथिक्स या आपकी जो सोच है, संस्कार है, वो दूसरी तरीके की बातचीत कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपको ये 13 दिन शुरू वाले जो है वो देखने हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो देखिए शुक्र हमारे थर्ड हाउस के मालिक है, एर्थ हाउस के मालिक है, जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, जो लोग अध्यापक हैं या किसी कहीं पढ़ाने का काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां साइंटिस्ट वगैरह लोग काम करते हैं, तो देखिए इन लोगों के लिए एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि एर्थ हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी वर्क अगर आप इस समय करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली स्थिति बनेगी। और अगर आप लोग इस तरीके के किसी डिपार्टमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको अपने जीवन में इस समय मेडिटेशन को स्थान देना होगा। क्यों देना होगा, एक तो ये कि जो राहु है ना वो फर्स्ट हाउस का राहु है, अपने अलावा किसी को कुछ समझता नहीं, मतलब जो उसने कह दिया वो फाइनल है। तो इस तरीके की आपकी ऊर्जा इस समय बनी हुई रहेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अपने लिए 10 से 12 मिनट का आप लोग समय निकालिए और मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो विचार होंगे ना वो एकदम सिस्टमेटिकली ढंग से काम करेंगे, और वो सिस्टम है जिसको राहु ब्रेक करते हैं। तो आप ये समझिए जो इस राहु के हमारे इंस्टेंट आइडिया है उसको ले लीजिए, जो उससे लाभ लेना है उसको ले लीजिए, लेकिन जो फर्स्ट हाउस के राहु का एक अहंकार वाली बात आती है ना उसको आप थोड़ा सा रोकिए। तो यहां पर एक अहंकार की स्थिति आएगी कि मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं, अगर मैंने किसी से कुछ कह दिया तो वो ठीक है। तो ये स्थिति जो होती है थोड़ी टकराव वाली स्थिति भी होती है। अब हम लोग बात करेंगे देखिए सेकेंड हाउस की। लग्नेश सेकेंड हाउस में क्या कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस पैसे को कमाने के लिए कह रहे हैं। अब इस चीज को आप समझिए, यहां बैठे हैं बुध, इस समय चल रहे हैं वक्री पोजीशन में, और बुध कहां के मालिक हैं, हमारे फोर्थ हाउस के मालिक हैं और हमारे स्पाउस वाले भाग के कौमी। और ये जो सेकेंड हाउस है ना, जैसे मैंने आपको बोला संस्कार का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, और मतलब पैसे को कमाने वाला होता है, जो अर्नड मनी है वो, लेकिन इसके अलावा ये हमारी उस बोलचाल का भी होता है जो हम घर में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या फिर मैं अपने घर में अपने भाई से बात कर रहा हूँ, अपने स्पाउस से बात कर रहा हूँ, ये कॉमर्शियल हाउस है और ये हमारा आपस में बातचीत करने का ढंग है। तो यहाँ पर इस समय क्या है, बुध और गुरु की ये जो युति बनी हुई है, और बुध उसमें क्या चल रहे हैं, इस समय वक्री पोजिशन में चल रहे हैं, मतलब बुध एक हास्य प्रयास वाला, मतलब थोड़ा इस टाइप का कलाकार ग्रह होता है, लेकिन यहां पर हास्य प्रयास थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ जाएगा कि ये जो स्वामी है हमारा कहां कहां का है, फोर्थ हाउस का है और हमारे सेवेंथ हाउस का है। फोर्थ हाउस को तो चलिए मन के सुकून तो देख लेंगे एक मिनट को, लेकिन जो फोर्थ ये सेवेंथ हाउस है इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा कह दोगे कि जो आपका स्पाउस सोचेगा ये मेरी हंसी उड़ा रहे, और आपके जो शब्द होंगे थोड़ा व्यंग्यात्मक होंगे, किसी की भी जैसे कोई आदमी आपसे कोई सलाह भी लेने आ रहा है, कोई बात भी करने आ रहा है, तो आप उससे इस तरीके की कोई वाणी का प्रयोग कर दोगे
कि जिससे कि वो ये सोचेगा कि ये तो पता नहीं मतलब हमसे या तो बात नहीं करना चाहते या ये हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं। तो ये अर्थ जो आपने उनको दिया, जिस तरीके से दिया, जैसे बुध की नेचर होती है कि वो अपनी बात को इस तरीके से रखता है कि दूसरे वाला की हंसी उड़ाने वाला सिस्टम, तो ये अभी आपका 10 अप्रैल तक बना रहेगा। आपको इन चीजों से बचना है कि ये चीज हमारा कहां ना आए, सेवेंथ हाउस में ना आए, क्योंकि ये फिर विवाद का कारण भी बनता है। एक दूसरे में आपस में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर लड़ाई का कारण बनता है। तो ये आपको थोड़ा सोच के चलना है। अब हम लोग देखिए बात करेंगे आपके थर्ड हाउस की, मालिक कौन है, शुक्र बैठे कहां पर है, लग्न में बैठे हैं। तो ये वाला जो एक संबंध है, ये भी एक बहुत शानदार बात है कि जब थर्ड हाउस का संबंध हमारे लग्न से बनता है, इसका मतलब जो भी चीज हम ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं एक तो एकदम बढ़िया बना रहेगा, और दूसरी बात ये आकर्षण का भाव भी होता है। तो आप ये देखोगे थर्ड हाउस का आकर्षण का मतलब और उसका संबंध लग्न से होने का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, मतलब कि मैं देखने में कैसे सुंदर लगूं या किस तरीके से मुझे लोग देखें, इस तरीके का भाव आपके इस पूरे महीने में बना रहेगा। थर्ड हाउस का संबंध मतलब शुक्र का संबंध कहाँ है, फर्स्ट हाउस से बना हुआ है। तो आप अपने ऊपर खर्च करोगे और अपने को सुंदर बनाने के लिए जो जो काम आप कर सकते हो वो भी आप करोगे, क्योंकि यहाँ आकर्षण किसके प्रति होगा, स्वयं अपने प्रति होगा। तो ये एक चीज चल रही है। अब हम ले देखिए फोर्थ हाउस की चर्चा बुध के माध्यम से की। अगर हम लोग बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, जो कि बच्चों का हाउस भी है, हमारी इच्छाओं का हाउस भी है, तो ये मंथली प्रेडिक्शन सब चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे आपके सिक्स हाउस की। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, छठे हाउस का संबंध अभी हमारा लग्न से बना हुआ है और लग्न में राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इस नेगेटिव स्थिति को भी पॉजिटिव करते हैं तो क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं दो बातें मैं अभी बताऊंगा। एक तो आप ये नोट करो कि हमारा जो लग्न का स्वामी, ये जो हमारा शनि है, एक तो हमारे 12th हाउस में बैठे हैं और इधर इनका दृष्टि का संबंध भी हमारा कहां रहा है, 6th हाउस में आ रहा है। तो आप इस चीज को समझिए, शनि की ये राशि किसकी है, सूर्य की, शनि की इस पे दृष्टि, शनि और मंगल की दृष्टि बन रही है। तो एक चीज ये कि थोड़ा सा भाषा में आप लोग सुधार करेंगे, किसी से ऐसा नहीं बोलेंगे लगातार कह रहा हूं, लेकिन इसका जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कुछ ना कुछ हिस्सा आपको अपने समय का सेवा में खर्च करना है। सेवा में खर्च करना है क्या मतलब, देखिए मीन लग्न वाले लोगों की सेवा क्या है, वो एक अच्छे सलाहकार होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हम लोग बैठे और किसी को कोई सलाह दे दी और वो आपकी सलाह से आगे बढ़ गया, मतलब एक पॉजिटिव वे में आप उसके केस को सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, आपका ये जो सिक्स हाउस, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये इससे आप छूट जाओगे, मतलब आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो ये एक छोटी सी एडवाइस मेरी आपको है। अगर हम लोग बात करेंगे अपने सेवेंथ हाउस की, तो सेवेंथ हाउस में वैसे भी केतु बैठे हुए, आपका फोकस ही नहीं है अपने स्पाउस की ओर, और फिर इसका मालिक भी कहां बैठा है इस समय, मतलब बुध किसके साथ बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो बिल्कुल झगड़ने के लिए तैयार है, ये वाली कंडीशन आप समझिए। तो जो भी भाषा का प्रयोग करेंगे, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग मत कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आपसे, आपके एट्थ हाउस की चर्चा हो गई है शुक्र के माध्यम से। अगर हम लोग बात करेंगे आपके नाइन्थ हाउस की, ये एक इंपॉर्टेंट हाउस है, भाग्य का भवन है, मालिक कौन है, मंगल, बैठे कहां पर है, 12th हाउस में बैठे। और देखिए इनकी जो दूसरी राशि है, पहली मतलब मेष राशि है, तो अब आप ये सोचो कि मेष का संबंध मतलब धनेश का संबंध खर्चे वाले घर में बना हुआ है, भाग्य का संबंध खर्च वाली भाव में बना हुआ है। तो जो भी हम लोग कमाएंगे, जो भी हम बिजनेस से कमाएंगे, जॉब से कमाएंगे, पैसा बचने की उम्मीद इस बार नहीं रहेगी। मतलब जो भी खर्चे हमारे इस टाइप के हो जाएंगे कि महीने में अगर हमने 1 लाख रुपया कमाया तो पता चला 2-3 हजार ही हमारे हाथ में रहे, मतलब वो खर्चा अच्छी जगह पर होगा, जहां जहां आप चाहते हो वही खर्च होगा, लेकिन यहां पर ये संबंध इस प्रकार का शो कर रहा है। अब लेकिन हम बात करते हैं आपके 10th हाउस की, मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, लग्न और 10th हाउस के मालिक आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो ये आपको इंडिकेट केवल इतना सा कर रहे हैं कि जो भी आपका कार्य का क्षेत्र है वहां पर भी ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी आंच नहीं आनी चाहिए, मतलब वहां पर भी आपको व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करना है। पैसा आपके पास आएगा, पैसा खर्च भी होगा, ये पूरा महीना इसी प्रकार से आपका जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 11th हाउस की, मालिक कौन है, शनि, बैठे कहां पर है, खर्चे वाले भाव में बैठे हुए हैं।
तो ये चीज भी आपको समझनी है कि जब तक शनि हमारे 12th हाउस में बैठे हुए हैं और इस समय तो वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो मंगल और शनि की जो आपस में जो युति है वो बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती। लेकिन जब भी मंगल आपके 12th हाउस में देखे जाएंगे तो आप अपने आप मैनेजमेंट आपका बहुत शानदार होता है, पैसे का दृष्टिकोण सोचने का तरीका बहुत शानदार होता है। और इन दोनों में अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे प्लस पॉइंट क्या है, चलेगी किसकी, मंगल की चलेगी, तो ये खर्च वहीं कराएगा जहां उसको खर्च कराना है। मेन मेन जो चीज आप सोचोगे कि मुझे यहां खर्च करना है, यहां खर्च करना है, उसी ढंग से आपका पैसा मैनेज होगा, मतलब फालतू खर्च आपका नहीं होगा। ये एक अलग बात है कि बचना कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कोई ना कोई अगर आप दान करना चाहते हो किसी जगह पर, जैसे भी आपकी इच्छा होती है कि 100 रुपए 500 रुपए अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा दान माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह हमारे कहां जाते हैं, 12th हाउस में आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो आप ये समझिए कि इस महीने का बिल्कुल लास्ट सीन क्या है, पैसा अच्छा आएगा, पैसा आप अच्छा बनाओगे भी अगर आप बिजनेस वगैरह में हो, और वो खर्च भी आपका कंप्लीट होगा। तो ये आपका पूरा महीना इस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए। तो आज आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।